हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे। डेट क्या है आज का? ओ भाई साहब, डेट क्या है? 6 तारीख है आज, 6 नवंबर 2021। आज दोपहर को हम आगे हैं आउटडोर करने। पीछे कुछ ताल का पेड़ दिखाया हमको, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसी का पेंटिंग बनाएंगे, लेकिन आज वीडियो में कुछ ट्विस्ट है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो गाइस, आज हमारा स्केप है ये कुछ ताल के पेड़ है इधर, और ये वाला पेड़ मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाले ताल के पेड़ चाहिए, और नीचे जो ये पेड़ पौधे है फील्ड में वो चाहिए। तो आप आसपास का थोड़ा देख लो। अभी बजे है दोपहर के 3:30, और मैं और मेरा दोस्त मिस्टर पार्थो दास आए हैं आउटडोर करने। तो अब देखते रहो, धीरे धीरे थोड़ा सर्दी का मौसम आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का धूप, बहुत अच्छा लग रहा है यार, लग रहा है कि इधर बैठ के सो जाओ। अभी तो आपको बहुत आउटडोर देखने को मिलेंगे, शायद मिलेंगे ना, बहुत जगह आउटडोर देखने को। हाँ, ठंडी का सर्दी का मौसम आ रहा है तो दिखेंगे, तो एटमोसफियर ही कुछ अलग है गाइस। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का धूप गिर रहा है, क्या बोलूँ। तो चलो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इतना बोलता हूँ वीडियो में कि सब कुछ तो मैं दे नहीं पाता हूँ, अगर सब कुछ दे दूंगा तो एक एक वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा। तो चलो, तो गाइस, आज जो पेंटिंग में बनाऊंगा, कुछ अलग टाइप का ब्रश लेके आया हूँ, आपने शायद देखा होगा पहले। तो ये कुछ ऐसा ब्रश है, इसको वाटर ब्रश बोलते हैं, एक्वा ब्रश भी बोलते हैं। तो ऐसा एक कैप रहता है, और ये है इसका टिप, नायलॉन का टिप है, और ऐसे इसे खोला जाता है, और गाइस यहाँ पानी को फिल करना होता है, और बाकी प्रोसेस में आगे आपको बताऊंगा। तो गाइस, ये वाला ब्रश मैंने करीबन 1.5-2 साल पहले ख़रीदा था, मैंने यूज़ नहीं किया था। जैसा कि आपको पहले वाले वीडियोस में भी कहा है, मुझे कोई चीज़ पसंद आता है तो ख़रीद लेता हूँ, फिर कभी ना कभी यूज़ हो जाता है, 1.5-2 साल बाद होगा फिर भी होगा, यूज़ होगा। तो मैंने आज सोचा ये वाला ब्रश लेके आते, और इसी ब्रश से मैं पूरा पेंटिंग करने की कोशिश करूँगा। और शायद ये ब्रश का टिप, क्योंकि थोड़ा मोटा है तो डिटेल्स में शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसे भी यूज़ करूँगा। अगर इससे हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसका भी यूज़ करूँगा। 2 नंबर का एक ब्रश है। तो अब देखिए कैसे मैं पानी को फिल करता हूँ, और कैसे इस ब्रश से काम किया जाता है। अब देखिए, हमारा स्केप तो वह है, आपको पहले दिखा दिया। तो गाइस, इसे कुछ इस तरह से खोला जाता है, ये वाला पार्ट अलग है जो ब्रिसल का पार्ट है, और ये वाला एक कुछ ट्यूब जैसा है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। तो अभी पानी को स्टोर कर लूँगा इसमें, तो स्प्रे बॉटल के इस पानी को ही मैं, तो देख सकते हैं गाइस, पानी पूरा भर चुका है। अब इसे ऐसे पहले जैसा था उसको लगा दिया ऐसे, तो हमारा ब्रश रेडी हो चुका है। और इसमें आपको पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कटोरी में पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पानी नहीं तो ऐसे भी कर सकते, तो फिर भी मैं थोड़ा पानी रखूँगा ब्रश को क्लीन करने के लिए। ऐसे आउटडोर्स के लिए ब्रश बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको पेंटिंग करके दिखाऊंगा, मेरा सेटअप इधर मैंने कर लिया है, तो अभी आउटलाइन करूँगा, फिर कलरिंग भी आपको दिखाऊंगा इससे कैसे होता है प्रोसेस। तो चलो, तो गाइस, इधर मेरा आउटलाइन कंप्लीट किया है मैंने, और बहुत दिनों बाद इस A4 स्केचबुक में मैंने सोचा कि काम करूं, तो कर रहा हूं इसे। तो गाइस, इस ब्रश का एक कैप होता है, उसको पहले हटा लेंगे, कहीं रख देता हूं नहीं तो खो जाएगा, मेरी चीज़ें खोती रहती है, तो इधर ही रख देता हूं। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये वाला ब्रश है, मैंने पानी से फिल कर लिया है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया पानी फिल करके। तो ऐसे अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो गाइस आप शायद देख सकते हैं पानी निकल रहा है, लगा चिकन है, तो ऐसे पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो वाला कलर लगेगा मैं उसे इस तरह से लेके यूज़ कर सकता हूँ। प्रेस करूंगा तो पानी निकलेगा, और नहीं तो ये ऐसे पकड़ूंगा तो नॉर्मल ब्रश की तरह इसका काम होगा। और अगर मुझे ब्रश को साफ़ करना है टिप को, तो मैं ऐसे प्रेस करूँगा, ये टिप साफ़ हो गया, फिर कोई और कलर ले लूँगा,
देखिए गाइस, इसमें येलो कार्ड नहीं है, सीपिया कलर है, सीपिया ही है। फिर से ऐसे प्रेस करूँगा तो ये क्लीन हो जाएगा, फिर कोई और कलर लेके यूज़ कर सकता हूँ ऐसे। तो अभी आपको पेंटिंग करके दिखाऊँगा कैसे करते हैं, इसे एक बार और साफ कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरह से मैं कलर पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये येलो कलर है। तो गाइस, मैंने कोई अलग से पानी नहीं लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रहता है मेरा पानी का कंटेनर। इधर दिखाओ, मेरा मुंह क्या दिखा रहे हो? तो इधर नहीं है, वो वाला इधर है। मैं आज इसी के पानी से यूज़ कर रहा हूँ, हमारा कंटेनर इधर है। तो देखते हैं कैसा होता है, ऐसे कलर्स मिक्स कर रहा हूँ मैं। विश्वजीत दा ने अभी भी ये ब्रश अभी तक छुआ नहीं, और पानी का कंटेनर और बोतल इधर ही पड़ा है। देखते हैं, लगता है तो इसी वाले से हो जाएगा, इससे ही हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, तो डिटेलिंग भी हो रहा है थोड़ा बहुत। देखते हैं आगे तक थोड़ा बहुत बहुत इससे सिग्नेचर भी कर देंगे। सिग्नेचर भी इससे ही हो जाएगा, एक ही ब्रश से हो जाएगा पेंटिंग, इससे आज पूरा गेम हो गया। अरे उधर तो धूम मचले जा रहे, वो देखो धूम मचा। Thank you.
तो गाइस इसका पानी ख़त्म हो चुका है और अभी तीसरी बार पानी भर रहा हूँ मैं इसमें। तो क्योंकि अलग से कोई पानी का कंटेनर नहीं लिया तो ब्रश को क्लीन करने के लिए भी तो पानी चाहिए ना, तो उसी वजह से पानी ज़्यादा लग रहा है थोड़ा। लेकिन लगता है इस बार में हो जाएगा, पेंटिंग करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा दिखा दो भाई साहब, करीब करीब कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा बहुत काम बाकी है। तुम्हारा कैमरा कुछ वाइट वाइट है। 17,000 दाम नहीं है इसका। तो गाइस मेरा पेंटिंग इधर कंप्लीट हो चुका है और क्योंकि पूरा पेंटिंग इसी ब्रश से किया तो चलिए इससे सिग्नेचर भी इसी ब्रश से करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो रेड कलर ले रहा हूँ जैसा कि मैं सिग्नेचर के लिए लेता हूँ। तो गाइस इधर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। तो गाइस मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपने वीडियो देखा तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना पेंटिंग कैसा लगा। और कुछ नहीं बोलना है तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो। और अगर फॉलो नहीं किया तो कर लो, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो, ब्लॉग चैनल अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका देख लो। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू कीप सपोर्टिंग। तो गाइस पेंटिंग तो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप सिग्नेचर किया था रेड कलर से, रेड कलर है। तो ऐसे जस्ट प्रेस करेंगे, देख सकते हैं कलर हट जा रहा है और ब्रश क्लीन हो जा रहा है। तो हो गया ब्रश क्लीन। मेरे तू है एक बंजारा।